तो बाराती लोग जी यहाँ पर आ गए और सभी लोग जो है यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं, जितने भी समधी लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं। जो है दुल्ही और दुल्हनिया दोनों आ रहे हैं मंडप पर, और अब जो है मंडप पर यहीं पर सारा कार्यक्रम सब होना है। एक चिंगारी जो है जाकर के बगल वाले घर में लग गई कि वहाँ पर जो आग लग गई है, तो जैसे गए देखने के लिए तब तक तो आग तो भाई साहब और विशाल हो चुका था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, यह शादी का यह सीरीज चल रहा है और आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल जी बारात आ गई है द्वार, और जैसे ही बारात द्वार आई है देख सकते हैं खूब पटाखे से हो रही आतिशबाजी, और पटाखा जो फोड़ने का जी स्टाइल था जी पूछिए मत। सारे लोग जो हम लोग देख रहे थे कि भाई साहब कैसे फोड़ रहे हैं और कैसे इतना इतना रिस्क लिया जा रहा है। और उसके बाद जो है और वैरायटी जो देखिए जी पटाखा का, एक हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं और दूसरा साइड जो है वह सब बांस में लगा हुआ था। और क्रिएटिविटी देखिए, बांस को जो अलग अलग पार्ट में कर दिया गया है और उसके बीच में पटाखा डाला गया है, तो जैसे ही पटाखा जलता है तो वो बांस जो है एक तरीके से फूल की तरह खिल जाता है, और फिर जो उसके बाद जो वह दृश्य रहता है जी जबरदस्त लगता है। तो सारी आतिशबाजी चल रही थी और इस आतिशबाजी के बीच जो है किसी को ध्यान नहीं रहा, मतलब हुआ क्या कि एक चिंगारी जो है जाकर के बगल वाले घर में लग गई। तो पटाखे का बहुत सारा चिंगारी लगता है, एक क्या मुझे लगता है कि शायद दो तीन लग गया होगा, कुछ स्कैच शॉट था, कुछ जो बांस में लगा हुआ था, और कुछ लगता है अनार का शायद चला गया होगा, किसी को भी पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है। तो वहां पर लग गई थी चिंगारी और किसी का ध्यान उस समय गया नहीं। तब उसके बाद एक थोड़ी सी जो लपट आई तो हम में से किसी एक शख्स का जो ध्यान गया कि कहा गया कि वहां पर तो आग लग गई है, तो जैसे गए देखने के लिए तब तक तो आग तो भाई साहब और विशाल हो चुका था। लेकिन सारे गाँव वाले वहां पर इकट्ठा हुए, क्या कहा जाए जी गाँव वाले का, एक गाँव का यही कल्चर सबसे अच्छा लगता है कि किसी भी समय में पूरे गांव वाले जो एकजुट हो जाते हैं। तो समूचे गांव वाले वहां पर आए, तुरंत तुरंत उस जलावन को जो है साइड कर दिया गया, किसी ने पानी डाला और लात घुसा मार के जो है पूरा आग को शांत कर दिया। A few moments later. नचदियां तेरे नाल होर भी बथेरियां पर तू ही पूरी जचदी, लक नू हिला के थोड़ा जेहा मुस्का के मेरी जान सारी कड़ लै गई, फ्लोर उत्ते आके तू कमाल करती है सारे कॉपी तेरी मूव कर दे, रूप तेरा वखरा नक उत्ते नखरा ताही असी पूरे मार दे, किन्नी सोहनी तू लगदी बड़ी सोहनी तू लगदी मेरी गल मन कुड़ी तू ता मेरे नाल ही फब दी मेरी गल मन कुड़िए ता मेरे नाली फब दिए तो बाराती लोग जी यहाँ पर आ गए और सभी लोग जो है यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं, जितने भी समधी लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं। और यहाँ पर बात चल रही थी कि दुल्ही राजा को जो है रथ से उठाएगा कौन। जी हाँ, हमारे यहाँ एक रस्म है कि जो दुल्ही राजा होते हैं उनको जो है लड़की के भाई अपने कंधे पर लेकर के जाते हैं और उनको सिंहासन पर डायरेक्ट छोड़ा जाता है, उनको बीच में जमीन पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है उनका। तो इस तरह का रस्म है और सभी हम लोग भाई लोग दुबले पतले सब, तो सोचा जा रहा था कि आखिर कौन उठाएगा। तो दो लोग जी उठाए और वो लोग ले करके जा रहे थे, हमें तो सच सही कहिए भीतर भीतर डर हो रहा था कहीं हमारी बहनों जी को गिरा ना दे ये लोग, लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं था, सभी लोग आराम से उठा करके गए। और आखिर हमारे बहनोई जी जो है थोड़े दुबले पतले भी है, उतना ज्यादा वेट भी नहीं था उनका, और यहाँ पर बीच में फोटोग्राफी ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद जो है हमारे भनोई जी को सही सलामत जो है स्टेज पर पहुँचा दिया गया। और आगे का कार्यक्रम आप लोग देखिए। किन शब्दों में यशगान करूं, वाणी में क्षमता नहीं जिसे मैं बखान करूं, फिर भी विदुर के घर कृष्ण सजगता से स्वीकार करेंगे यही आशा है और विश्वास भी। आज जा रही ड्रीम जी छोर हमें बगिया में, एक नया संसार बसाने अपने साधन की फूल बगिया में, परम आदरणीय समधी जी।
पत्र जी हो गया पढ़ा हुआ। अभिनंदन पत्र पढ़ने के बाद बारी आई दुल्हन के एंट्री की। जी हाँ, यहाँ पर हमारी बहन जो एंट्री ले रही है, सारे भाई लोग भी साथ में आ रहे हैं और सारे भाई लोग जो हाथ में लेकर के जो चल रहे हैं, पता नहीं क्या बोला जाता है, डोली बोला जाता है या क्या बोला जाता है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है वो एग्जैक्ट वर्ड। तो काफी अच्छा लग रहा था जी, एकदम माहौल था बहुत ही जबरदस्त, चहल पहल था वहाँ पर। गांव के जितने भी महिलाएं थी वो सभी इकट्ठा थी, पूरे गांव वाले इकट्ठा थे और लोकगीत सबका कार्यक्रम सब भी चल रहा था। फिर उसके बाद जी बारी आई स्टेज पर चढ़ने की, तो स्टेज को जो है थोड़ा सा ऊंचा रखा गया था ताकि जितने भी लोग है वहाँ पर उनको जो है क्लियर विजिबिलिटी रहे और जितना भी रस्म होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, वो भी जो है उन सब चीजों को देख करके जो एंजॉय कर सके। और बाकी आगे क्या क्या होता है मैं ज्यादा बोलूं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से इस चीज को देखें और महसूस करें। स्टेज पर जयमाल का कार्यक्रम हो गया जी, और जयमाल के कार्यक्रम के बाद जो है अब बारी आई दूल्हे राजा को मंडप पर लाने की। और अब जो है दूल्हे और दुल्हनिया दोनों आ रहे मंडप पर, और अब जो है मंडप पर यहीं पर सारा कार्यक्रम सब होना है। हम तो पूरा जी यहाँ पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए क्योंकि हमें जाना था। क्रियांश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, और सही बात है जी, एक छोटा सा बच्चा है और वह रात के 2:30 बजे तक जगा हुआ है, तो उतना संभव नहीं था एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी देर तक रहना। तो हम जो है लेकर के यहाँ पर चले गए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी वीडियो अभी तक आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को हमारी तरफ के रसम और रीति रिवाज शादी के जो भी होते हैं वो सब आपको नजर आ रहा होगा, आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं जी आप लोगों से किसी नए ब्लॉग में, बाय।